नमस्कार दोस्तों, मैं मदर खान गूंज लाइव में फिर आपके सामने और एक नई न्यूज़ लेकर आया हूँ। दरअसल हम लोग खड़े हैं स्टेशन, दुर्ग रेलवे स्टेशन है उसके पास में खड़े हैं। यहाँ पर एक चौक है, मैं आपको ये देखिए, ये एक चौक है और यहाँ पर ना चार मूर्तियाँ लगी थी। यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और करतार सिंह की मूर्ति लगी थी। फिर उसको ना रिनोवेट करने के लिए यहाँ से भेज दिए, पता नहीं छुट्टी में भेज दिए उन लोगों को, और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। छुट्टी में गए हैं तो वापस नहीं आए हैं। अब नगर निगम को छुट्टी में भेज दिया है, पता नहीं कहाँ भेज दिया है, अभी तक वो आए नहीं है। यहाँ के लोगों ने ज्ञापन भी दिया, लोगों प्रशासन से बोला कि इनको वापस लाओ, लेकिन अभी तक आए नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत दूर छुट्टी पे चले गए क्या, ऐसा लग रहा है। यहाँ के लोगों का, मतलब जनता का मानना है कि कम से कम एक दो जन को तो छुट्टी में बुला, छुट्टी से वापस बुला लो, करतार सिंह जी को बुला लो या फिर भगत सिंह को। ये नगर निगम वाले लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, पता नहीं कैसे मूर्ति को यहाँ से, मतलब बनाने के लिए वापस लेके गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लगाए। तो जनता, यहाँ की जो जनता है उनकी मांग है, वो यहाँ पूछना चाहते हैं कि ये मूर्ति कब लगेगी, कैसे लगेगी। और सिख समुदाय के लोगों ने भी ज्ञापन दिया कि ये जल्द से जल्द ये मूर्ति लग जाए, है ना। ये यहाँ की शान आन बान सब है, और वो हमारे देश के क्रांतिकारी थे और महान क्रांतिकारी थे वो लोग, जिन लोगों ने अपनी देश के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं किए और अपनी जान की आहुति दे दिए देश के लिए। भगत सिंह के बारे में तो आप जानते हो, जिन्होंने जानबूझकर अपने देश में आज़ादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आज़ाद देश को आज़ाद करने के लिए और अपनी बातों को अंग्रेज़ों तक पहुंचाने के लिए और लोगों, मतलब भारतीय जनता को लोग बात पहुंचाने के लिए असेंबली में बम डाले, है ना, ऐसा बम डाले कि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। और वो कोर्ट में गए, कोर्ट के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे और वो पहुंचाए, और उन पर फिर अंग्रेज़ों हुकूमत द्वारा उन पर केस चलाया गया, और केस चलाने के बाद उनको फांसी की सज़ा भी हुई, जो कि वो इजीली वहाँ से छूट सकते थे, लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, हमारे आने वाली नई पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए, ताकि उनको एक सबक मिले, एक सीख मिले कि देश के लिए ही सब कुछ होता है। अपने लिए तो सब कुछ जीते हैं, देश के लिए तो बहुत कम लोग जीते हैं। और उन्होंने देश को एकजुट एकत्रित करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। कि जैसे कि करतार सिंह यहाँ जो थे, करतार सिंह की कहानी ये है कि जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया था, इतने सारे बेगुनाहों को मार दिया था, तो उन्होंने अपनी मजदूरी करी, पढ़ाई मजदूरी करके, पढ़ाई वढ़ाई करके वो इंग्लैंड गए और वहाँ पर फिर वहाँ पर क्या बोलते काम किया, काम करके एक पिस्टल खरीदे, और पिस्टल खरीद कर और जनरल डायर को गोली मारे वहाँ जाके, यहाँ से इंग्लैंड जाके गोली मारे, और अपने देश के जो बेगुनाह लोग थे उनका वो उन्होंने बदला लिया। वो उस बदला को लेने के लिए, मतलब करतार सिंह ये भारत देश से वहाँ गए और इतना मेहनत करके उस बदला को पूरा किया, और अंग्रेज़ों को ये बता दिया कि भारतीय कम नहीं है, वो बुजदिल नहीं है, कम नहीं है, ये बताना चाहते थे। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो पूरे भारत में एक सेना खड़ा कर दिए थे, जिसे आज़ाद हिंद फौज की बात कहते हैं। तो ये तमाम जितने भी लोग थे, उन लोगों को यहाँ से, उनकी मूर्ति यहाँ लगी थी उसको हटा दिए, और यहाँ की जनता की मांग ये है कि वो मूर्ति को तो दोबारा यहाँ स्थापित की जाए, और स्थापित करके यहाँ पर उसको लाया जाए और उसका सम्मान पूर्वक यहाँ पर रखा जाए। तो देखिए, शहरी हलचल में मैंने एक नई रिपोर्ट लेकर आई आप लोगों के सामने में, इसी तरीके से मैं लेकर आऊँगा और भी रिपोर्ट, और भी जानकारी लेकर आऊँगा। इसी तरह का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए और हमें प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद।